एनिमल एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत गुजरात के जूनागढ़ चिड़ियाघर से हिमाचल प्रदेश के धौलाधार प्रकृति उद्यान चिड़ियाघर गोपालपुर में एक जोड़ा शेरों का लाया गया था, जिसके बदले जूनागढ़ की टीम गोपालपुर से भालुओं का जोड़ा लेकर गई थी। लगभग 38 दिन के लंबे इंतजार के बाद शेरों के जोड़े 9 वर्षीय हैमल नर व 5 वर्षीय अकीरा मादा को सीमेंटेड कमरे से बाहर मिट्टी पे कदम रखने का मौका मिला है। वन मंत्री ठाकुर गोविंद सिंह ने कहा कि शेर के जोड़े हेमल और अकीरा को यहां लाने से पहले वन विभाग के डॉक्टर और कर्मचारी पहले गुजरात जाकर आए थे और उनकी देखभाल की सारी बारीकियां सीख कर आए थे तथा इन दिनों इन्हें इसलिए अंदर रखा गया था ताकि वे यहां के वातावरण में ठीक से रह सकें। वहीं स्नेक पार्क की स्थापना के प्रस्ताव पर वन मंत्री ने कहा कि इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, जिसकी जांच की जाएगी। आपको बता दें कि गोपालपुर चिड़ियाघर में मुख्यतः 14 प्रजातियों के जानवर हैं, जिनमें एशियाटिक शेर, काला भालू, तेंदुआ, जंगली सुअर, हिमालयन धरोल, वार्किंग डियर, चिंकारा, सांबर, लेपर्ड कैट आदि मुख्य हैं। गौरतलब है कि गुजरात के जिस चिड़ियाघर से शेर यहां लाए गए हैं, वहां पर तापमान गोपालपुर के मुकाबले लगभग 24 से 25 डिग्री अधिक है। ऐसे में शेरों के स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, इसके लिए विभाग के लिए काफी बड़ी चुनौती है। साथ ही शेरों के साथ काम करने का अनुभव रखने वाले अधिकारियों की प्रदेश में कमी भी है। निश्चित रूप से इन सारी बातों का ध्यान, ये जो योजना बनी उससे पहले ही सब बातों को रखा गया है, और इसलिए कि बल्कि गुजरात के यहाँ के गए हैं हमारे डॉक्टर्स और हमारे फॉरेस्ट के ऑफिसर वहाँ पर जाकर आए और इन सारी बातों पर वहाँ डिस्कशन किया है। और इसलिए जब ये शेर यहाँ पर लाया गया, ये जो जोड़ा है जिसका नाम अकीरा और हेमल है, इसके लिए मैं वन विभाग को भी, जो हमारा वाइल्ड लाइफ विंग को बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा काम हुआ है। और ये जो लाए गए तो 21 दिन तक तो इसीलिए रखे गए ताकि यहाँ के वातावरण में वो ठीक प्रकार से रख सकें, और यहाँ पर अंदर उसके अंदर यानी जहाँ पर उनको रखा जाता तो वहाँ पर इस प्रकार का जो है यानी कि गर्म रहे और वो सारा टेम्परेचर मेंटेन करने का सारा सिस्टम बिल्कुल रखा है। और इसलिए यह कि पूरा अरेंजमेंट है, और इसलिए यह जो शेर और शेरनी का जोड़ा यह बहुत अच्छे टिकेगा, और बल्कि शुभकामनाएं मैं देता हूँ कि यहाँ पर इनका परिवार खूब और फले फूले। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।